हेलो एवरी वन आई एम योर हिंदी टीचर एंड टूडे वी विल स्टार्ट वन न्यू चैप्टर श्रम की प्रतिष्ठा एंड क्लास सेवन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल ऑफ यू राइट देयर डेट थर्टियथ नवम्बर एंड डे इज मंडे एंड दिस इज द ईयरली सिलेबस लेसन नंबर नाइनटीन श्रम की प्रतिष्ठा श्रम होता है मेहनत मेहनत जो हम करते हैं शारीरिक और मानसिक उसे हमें क्या मान सम्मान मिलता है ये जो निबंध है वो विनोबा भावे ने लिखा है इस निबंध में उन्होंने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है उनका मत है कि हमारे समाज में शारीरिक श्रम से अधिक मानसिक श्रम को उच्च और श्रेष्ठ माना जाता है वो कहते हैं कि हमारे समाज में जो शारीरिक श्रम है मतलब जो शरीर द्वारा किया जाता है उसकी अपेक्षा जो मानसिक श्रम है उसे उच्च और श्रेष्ठ माना जाता है लेकिन यह दृष्टिकोण सही नहीं है हमें शारीरिक श्रम को भी वही मान और प्रतिष्ठा देनी चाहिए जो हम मानसिक श्रम और श्रम को देते हैं कहा जाता है कि यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी हमने सोचा ये शेषनाग कौन है अब यहाँ पर वो बताएंगे कि शेषनाग शेषनाग असल में कौन है ध्यान में आया दिन भर शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर जो किसम किस्म की पैदावार करते हैं वे शेषनाग है मतलब शेषनाग कौन हो गया जो किसान है वो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं उन्हें शेषनाग कहा गया हम सभी का आधार उन मजदूरों पर है इसीलिए भगवान ने भी मजदूरों को कर्मयोगी कहा है कर्मयोगी मतलब काम करने योग्य होता है लेकिन कर्म लेकिन केवल कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता देश के कुछ मजदूर खेतों में काम करते हैं कुछ रेलवे में काम करते हैं और कुछ कारखानों में काम करते हैं दिन भर मजदूरी करते हैं और खून पसीने की रोटी कमाते हैं जो व्यक्ति खून पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता क्योंकि जो खून पसीने जो मेहनत करता है उसके जीवन में कभी भी पाप का प्रवेश नहीं हो सकता पाप उसके जीवन में नहीं आ सकता दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है ना दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है और ना रात को कुछ सूझता सूझ सकता है क्योंकि थका मांदा शरीर आम, आराम चाहता है जो वो सारा दिन शारीरिक मेहनत करता है तो रात को वो सो जाता है थक कर क्योंकि वो उसने सारा दिन मेहनत की अब उसे रात को थोड़ा सा आराम चाहिए थका मांदा शरीर आराम चाहता है उसे नींद की ज़रूरत होती है जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही ना हो उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा अनुभव तो ये तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही पर उन पापों के मजदूरों ने उन पापों ने मज़दूरों के जीवन में भी प्रवेश कर लिया है कई प्रकार के व्यसन उनमें होते व्यसन होते बुरी आदतें लत लग जाना किसी चीज़ की यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता है हाँ जो श्रम टालता है वह कर्मयोगी है।, है ही नहीं उसके जीवन में उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं क्योंकि उसके पास बहुत समय खाली पड़ा होता है वह समय खाली जहाँ समय खाली पड़ा हो वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है फुर्सती लोग होते हैं जो फ्री रहते हैं जो आश्चर्य नहीं पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है इसीलिए ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते जो मजदूरी करते हैं ना उनके जीवन में पाप होता है वो मजदूरी लाचारी से करते हैं या पैसों को कमाने के लिए करते हैं खुशी खुशी काम नहीं करना पसंद करते कर्म लाचारी से करना पड़ता है इसीलिए करते हैं वे अगर काम से मुक्त हो मुक्त होते हैं आज़ाद हो अगर वे काम से मुक्त हों सके तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे अगर उन्हें काम से जल्दी फ्री कर दिया जाए तो उन्हें बहुत खुशी होती है सच्चे कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती जो सच्चा कर्मयोगी होता है वो ये नहीं आज देहाती लोग भी कहते हैं देहाती होते हैं जो गांव में रहते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए शिक्षा किस लिए मिलनी चाहिए इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा जीवन में हर काम एक विचार पूर्वक करेगा अपित्तु इसलिए कि लड़के को नौकरी मिलेगी और हम जैसे दिन भर कटते हैं दिन भर मतलब काम करते हैं कठिन काम करते हैं वैसे उसे खटना नहीं पड़ेगा अब देहाती लोग जो गांव में रहते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर उनका बेटा अच्छी नौकरी पर लग जाता है तो वो बैंक में कुर्सी पर बैठकर आराम से कार्य करेगा और उसे दिन भर कठिन कार्य नहीं करने पड़ेंगे जैसे कि मज़दूरों को करने पड़ते हैं मज़दूर भी ऐसा ही सोचते हैं काम के प्रति ऐसी घृणा मज़दूरों में है काम ना करने करने वालों में तो है तो है ही दिमागी काम करने वाले मजदूरों को अपने से छोटा समझते हैं थोड़े से काम के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़े, पड़ेगी उतनी देंगे पर काम अधिक से अधिक लेंगे ऐसी वृत्ति ही बन गई है ऐसा स्वभाव ही लोगों का वृत्ति होता है स्वभाव मतलब जितनी मजदूरी वो जितना काम करेंगे उतनी उन्हें मजदूरी बने मिलेगी ऐसा ही लोगों का स्वभाव बन चुका है इसका अर्थ हुआ कि उन्हें तो काम के काम से नफरत है ही मजदूरों को भी काम से नफरत है वह मजदूर तो कर मजदूरी तो करता है पर उससे अपने गर्व उसमें गर्व अनुभव नहीं करता अब मजदूरी मजदूर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए करता है लेकिन उसे आत्मिक शांति नहीं मिलती ना ही वो इस काम को करके खुश होता है रामायण में भी एक कहानी है अच्छी है सुनने लायक है श्री राम जी वनवास श्री राम जी को वनवास हुआ जब श्री राम जी को चौदह वर्ष का वनवास के कई के कहने पर हुआ था तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी उन्हें आदत तो नहीं थी ऐसे जीवन की क्योंकि वो तो एक राज, राजा की पुत, पुत्री थी अब उन्होंने कभी ऐसा वन में जाकर कोई काम तो नहीं किया था ना ही घर में कुछ करते थे उन, क्योंकि उनके घर में इतनी दासियाँ थी जो सीता जी का श्रृंगार भी वो करती थी पर उन्हें उन्होंने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ मैं पर जब कौशल्या माता ने सुना तो कहा सीता का जाना कैसे होगा मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलाने नहीं दी दीप की बाती तो जब दिया जलाया जाता है ना उसमें रुई की बाती रखी जाती है अब कौशल्या जी ने कहा कि मैंने तो सीता माँ को कभी दीप की बाती भी जलाने नहीं दी अर्थात यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा नहीं मानी गई मतलब काम को कोई सम्मान नहीं दिया गया इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी समान माना गया पर मेहनत को हानि माना गया यह इसमें दिखता है धर्मराज के राजसु यज्ञ किया था श्री कृष्ण जी वहाँ गए थे कहने लगे मुझे भी काम दो अब श्री कृष्ण जी भी काम करने के लिए किसी यज्ञ में पहुँचे तो वहाँ पर लोगों से उन्होंने कहा कि मुझे भी कोई काम दिया जाए धर्मराज ने कहा आपको क्या काम दे मतलब धर्मराज भी हैरान थे कि श्री कृष्ण की सारी लीला है ये सारा संसार उन उनका चलाया हुआ है अब वो उन्हें काम कैसे दे सकते हैं आप तो हमारे लिए पूज्य हैं पूजनीय हैं अब धर्मराज ने कहा कि आप तो हमारे लिए पूज्य हैं आदरणीय है। आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है भगवान ने कहा आदरणीय हैं तो क्या नालायक हैं हम काम नहीं कर सकते तो धर्मराज ने कहा आप स्वयं ही अपना काम ढूंढ लीजिए